मेरे 12 साल से मैं रख ली, मेरी अम्मा को मैं 12 साल से रख ली, उनकी खिदमत कर रही। मैं इस्लाम कबूल करके 20 साल हो रहा, 18 साल हो रहा, और मेरे अम्मा को 12 साल से मैं ला ली। उन्होंने बीमार पड़े थे, यहाँ भी जा रही है, उनकी खिदमत मैं पूरा कर लेते आई अब तक भी। परसों भी ऑपरेशन हुआ था, 5 लाख रुपए खर्चा करके मैं घर। कोई आके बेटा नहीं देखे, ना कोई देखे आके। अब उन्होंने नसीब क्या दिए बेटा, मेरे को कोई भी नहीं देखते। तेज तरीके से तू कर दे, आज से कर तो मेरे को चैन जमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। बस ये बात बोले मेरे को, ये इस नशे देखो मेरा लास्ट को ले जाते, बोले मैं नहीं देते, मैं नहीं देती। मेरे मजहब के तरीके से मैं करती, बस लेके कौन ले जाने दे रहा आपको? उन्ना ले जाते बोल रहे हैं, बोल दोनों लोग उनके पोतरे उन्ना आए, कोई भी नहीं आए थे 12 साल से, अब आए कफन उफन पिनाए बाद आए। नहीं सर, अब मैं उन्ना मेरे भाई के बेटे है, पर कोई भी नहीं पहचानते। हम मौत में आते थे जाते थे। आप कहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 25-35 साल से बस्ती में हूँ साहब, मैं पूरे लोग पहचानते। हाँ, मेरी 35 साल से मेरी जिंदगी हो रही है बच्चे तो। आने के बाद 15 साल के बाद इस्लाम कबूल करी मैं, तो आप इस्लाम मैं भी इस्लाम कबूल करी, मेरे बच्चे मैं पूरे फैमिली। बीस साल हो रहा। हाँ होगा, शादियाँ करी मेरे बच्चे के ससुरे मौजों में, एक लंगर रोज में रहे थे, एक यहाँ छवनी में रहे थे। बेटियों की शादी में अपने मजहब में करी, बेटों की शादी में अपने मजहब में करी, चिल्ला चट्टी सो करी। तो मेरी अम्मा बोली मेरे को तकलीफ देते बेटे, मेरे को नक्को बोल के बोल दिया, ना सूरत नहीं बताना बोल दिया, तेरे हाथों से तुम करे तो मेरे को चैन चमन मिलेगा, मेरे सुकून से करना। अब लोग क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ले जाके जला देते बोल, जलाते बोल रहे हैं। हाँ, तो आप पुलिस किस लिए आई यहाँ पर? कौन ले जाते हैं? उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ले जान दो, उनके बेटे है ना ले जान दो, मैं नहीं ले जाने देती। उन्होंने ले गए, मैं फांसी डाले के मेरे अम्मा के संगत दोनों के डोले निकलना यहाँ से, पर मैं तो नहीं देती। मेरी मैं तो कलमा पढ़ ली, मेरे बच्चे भी पढ़ लिए, मेरे को नवासी आफे से कुरान है। मेरी अम्मा को कौन तुम ले जाएंगे? दोनों के लाशा ले जाना यहाँ से, बस दोनों के डोले उठना, मैं नए हाथ में खान ले। आपने मेरे को उन लोगों के हाथ को नहीं देना, बस दे तुम मेरे तेरे तरीके से करना, मेरे चैन चमन मिलता। नानी हमारे हमारे उनके दिल से करे सोए, बस 12 साल से थे। अल्लू 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 बोलना, अल्लू बोलना। 12 साल से थे साहब, कोई आगे नहीं लेके दफनाते बोले, उसके बारे में अपील कर रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हलका याकूतपुरे के सुरमावड़ा डिवीजन में दारबजन कॉलोनी में एक रिवर्टेड मुस्लिम थे, आज उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी तरफ से भी उनके अफराद खानदानी अफराद इधर आए थे, तो यहाँ पे शिवाना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। दोनों को जो है ना बुला के डीसीपी साहब भी आए थे, एसीपी साहब भी आए थे यहाँ पे, हमारे वर्कर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के वर्कर भी जो है ना यहाँ पे पूरा कोऑपरेट करे। और यहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखाया गया जिसके तहत जो भी आखिरी उनके रस्मा रहेंगे वो जो है ना मुसलमानों के तरीके से किया जाएगा। और मलकपेट चादर का निमोली अड्डे में, राइट निमोली अड्डे में वहाँ के खबरस्तान में जो है ना तकसीम की जाएगी। अभी लेके जाते वक्त जो है तो डोले को निकाल दिया गया, वो उस वजह उसकी क्या वजह रहेगी उसकी? नहीं वो तो